हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू TNT एजुकेशन। मशीन लर्निंग के हम कुछ और MCQ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप किसी MCQ बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेफिनेटली क्वेश्चंस बहुत हेल्प करने वाले हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं, सिंपल डेफिनेशन हैं। ऐसे क्वेश्चन ऑनलाइन या फिर किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ज़रूर आपको मिल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1। इनके आंसर्स भी दिए गए हैं, आप जल्दी से आप देखते जाओगे तो आपको एक दो बार आप इस वीडियो को देख लोगे, इस क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग जनरल कंसेप्ट डेफिनेशंस फ्रॉम एग्जांपल्स ऑफ कंसेप्ट्स टू बी लर्न, दिस प्रोसेस कॉल्ड इंडक्शन। आगे बढ़ते क्वेश्चन 2। कंप्यूटर्स आर बेस्ट एट लर्निंग, तो कंप्यूटर्स आर बेस्ट एट लर्निंग व्हाट? फैक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। डेटा यूज टू बिल्ड ए डेटा माइनिंग मॉडल, तो विच डेटा इज यूज टू बिल्ड डेटा माइनिंग मॉडल, डेटा माइनिंग मॉडल को बनाने के लिए कौन से डेटा का यूज किया जाता है? ट्रेनिंग डेटा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग बोथ रिक्वायर एटलीस्ट वन हिडन एट्रीब्यूट, तो इनको कम से कम एक हिडन एट्रीब्यूट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5। सुपरवाइज लर्निंग डिफर्स फ्रॉम अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग इन दैट सुपरवाइज लर्निंग रिक्वायर्स इनपुट एट्रीब्यूट्स टू बी कैटेगोरियल। इनपुट एट्रीब्यूट्स टू बी कैटेगोरियल किसमें? सुपरवाइज लर्निंग में होना चाहिए। क्या इनपुट एट्रीब्यूट्स टू बी कैटेगोरियल? क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन ठीक होगा। 6 क्वेश्चन देखते हैं। द रिग्रेशन मॉडल इन विच मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एन इंडिपेंडेंट मॉडल। देखो रिग्रेशन मॉडल क्या होता है? रिग्रेशन मॉडल इज बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, और उनमें से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए रिग्रेशन मॉडल का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जब मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात की जा रही है तो यूज टू प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं एन इंडिपेंडेंट मॉडल, ध्यान रखना। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द केस व्हेन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल आर कोरिलेटेड इज, इसको बोलते हैं मल्टीकोलिनियरिटी। क्वेश्चन नंबर 8। ए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हैज द फॉर्म, एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल की फॉर्म दे रखी y इक्वल टू 2 प्लस 3x1 प्लस 4x2, जिसमें बोला गया है कि x1 इंक्रीज होता है एक यूनिट से, x1 जो है इंक्रीज होता है एक यूनिट से, और जो x2 है वो कांस्टेंट रहता है। तो इसमें पूछ रहे हैं इफेक्ट क्या होगा, तो जो y होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इंक्रीज बाई फोर यूनिट्स। आगे बढ़ते हैं। एक मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल हैज मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में ऐसा क्या होता है? मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। 10th क्वेश्चन देखते हैं। ए मीजर ऑफ गुडनेस ऑफ फिट फॉर द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इक्वेशन इज मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन, मीन स्क्वायर ड्यू टू रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द एडजस्टेड मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अकाउंट्स फॉर, तो इनमें से तीनों ऑप्शन ये गलत होंगे। ठीक है, नन ऑफ द अबव हो जाएगा, मीन्स द नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द मॉडल, ये भी गलत है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इन द मॉडल, ये भी गलत है। अनयूजुअली लार्ज प्रेडिक्टर्स, ये भी गलत है। तो तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे किसके लिए? एडजस्टेड मल्टीपल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिटरमिनेशन अकाउंट्स के लिए तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द मल्टीपल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिटरमिनेशन इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग SST बाय SSC। SST को SSC से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मल्टीपल कोएफिशिएंट्स ऑफ डिटरमिनेशन। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन भी आ गया इसका। फॉर ए मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल SST दे रखा 200, SSC दे रखा 50, तो मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? 200/50, SST/SSC है ना, तो 200/50 इट विल बी 4, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए नियरेस्ट नेबर अप्रोच इज बेस्ट यूज्ड व्हेन इररिलेवेंट एट्रीब्यूट्स हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द डेटा, जब इररिलेवेंट डेटा एट्रीब्यूट्स को डेटा से रिमूव कर दिया गया तब नियरेस्ट अप्रोच नेबर अप्रोच बेस्ट जो है परफॉर्म करती है। 15 क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन विच इज द बेस्ट अप्रोच फॉर द प्रॉब्लम, देखो ये तीन अप्रोचेज हैं, एक है सुपरवाइज लर्निंग, एक है अनसुपरवाइज लर्निंग और तीसरा है डेटा क्वेरी। ये तीन अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास देखो कुछ सिचुएशंस दिए गए हैं कि इन सिचुएशंस में इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट रहेगा। तो देखो इनके ऑप्शन आंसर भी दे रखे हैं। पहला देखते हैं,
व्हाट इज द एवरेज वीकली सैलरी ऑफ ऑल फीमेल एम्प्लॉयज अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज, अगर इस तरह का सिचुएशन है काम करने के लिए, तो इसमें कौन सा टास्क, कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? डेटा क्वेरी वाला, सी ऑप्शन. दूसरा, डेवलप ए प्रोफाइल फॉर क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स लाइकली टू कैरी एन एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ मोर देन $1,000. तो अगर ऐसी देखो सिचुएशन आ रही है, तो इसमें सुपरवाइज लर्निंग का जो कंसेप्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे, दैट विल बी परफेक्टली सुटेड. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. थर्ड ऑप्शन, द डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सक्सेसफुल यूज कार सेल्समैन, सेल्स पर्सन. तो ये भी सुपरवाइज लर्निंग में जाएगा. वॉट एट्रीब्यूट सिमिलरिटीज ग्रुप कस्टमर्स होल्डिंग वन और सेवरल इंश्योरेंस पॉलिसीज, सुपरवाइज लर्निंग. डू मीनिंगफुल एट्रीब्यूट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स. दिस इज फॉर दिस सिचुएशन इज बेसिकली सुटेड, बेस्ट सुटेड फॉर वॉट? दिस सिचुएशन इज बेस्ट सुटेड फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग. वॉट? डू मीनिंगफुल एट्रीब्यूट रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स, अनसुपरवाइज लर्निंग. सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं. डू सिंगल मैन प्ले मोर गोल्फ देन मैरिड मैन? तो सी हो जाएगा. क्वेरी से हम इसको सॉल्व करेंगे, डेटा क्वेरी से इजीली रहेगा. डिटरमाइन वेदर ए क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन इज वैलिड और फ्रॉडेंट, एक वैलिड क्रेडिट कार्ड जो ट्रांजेक्शन है वैलिड है कि फ्रॉडेंट है, तो इसके लिए सुपरवाइज लर्निंग काम करेगी. तो ये देखो सिचुएशन बेस्ड हैं, हो सकता है ऐसा कोई स्टेटमेंट बन जाए. तो ये तीन हमारे पास तरीके हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, डेटा क्वेरी. ये किन किन सिचुएशंस में अच्छा काम करते हैं, ऐसे कुछ एग्जांपल्स दिए गए थे, एक बार आप इनको देख लोगे थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी. 16 क्वेश्चन देखते हैं. अनदर नेम ऑफ एन आउटपुट एट्रीब्यूट, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं. आउटपुट एट्रीब्यूट को हम क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. आगे बढ़ते हैं. 17, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एस्टिमेशन प्रॉब्लम्स इन दैट That classification problems do not allow an output attribute. Classification problem जो होती हैं वो output attribute को allow नहीं करती हैं. ये इस तरह से एक दूसरे से distinguish होते हैं. So 18 देखते हैं. Which statement is true about prediction problems? Prediction problems के लिए इनमें कौन सा statement true है? तो ये वाला statement true है. क्या? कि the resultant model is designed to classify current behavior. The resultant model is designed to classify current behavior. ये स्टेटमेंट ट्रू है किसके बारे में? प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन प्रॉब्लम जो होते हैं प्रेडिक्ट करते हैं पुराने डेटा के बेस पर, जो करंट डेटा है उसको सॉल्व करने के लिए प्रेडिक्ट किया जाता है. तो स्टेटमेंट कौन सा ट्रू हो जाएगा? रिजल्टेड मॉडल इज डिजाइन टू क्लासिफाई करंट बिहेवियर. पुराने बिहेवियर को यूज करके करंट को हम क्लासीफाई करते हैं. आगे बढ़ते हैं. 19 क्या कह रहा है? विच स्टेटमेंट अबाउट आउटलाइनर्स इज ट्रू? तो आउटलाइनर्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? भैया ये वाला ट्रू है. क्या है? द नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिटरमाइंस हाउ आउटलाइनर्स आर यूज्ड. दिस स्टेटमेंट ट्रू अबाउट आउटलाइनर्स. द नेचर ऑफ प्रॉब्लम डिटरमाइंस हाउ आउटलाइनर्स आर यूज्ड. 20 देखते हैं. विच स्टेटमेंट ट्रू अबाउट न्यूरल नेटवर्क एंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल्स? लीनियर रिग्रेशन मॉडल और न्यूरल नेटवर्क के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है दोनों के बारे में? तो भैया ये ट्रू है कि बोथ मॉडल्स रिक्वायर इनपुट एट्रीब्यूट्स टू बी न्यूमेरिक. यस, जो इनपुट एट्रीब्यूट्स हैं दोनों न्यूमेरिकल होने चाहिए दोनों के लिए. तो दोनों में ये सिमिलैरिटी है. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन यूज ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग? डिटेक्ट आउटलाइनर्स. ये क्या है? द कॉमन यूज ऑफ अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग, ये है डिटेक्ट आउटलाइनर्स. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं. द एवरेज पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड डिजायर्ड आउटकम वैल्यूज, ये क्या है? ये मीन पॉजिटिव एरर. द एवरेज पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेड एंड डिजायर्ड आउटकम वैल्यूज, द कंप्यूटेड एंड डिजायर्ड, जो हम कंप्यूट कर रहे हैं कंप्यूट हुआ है, और जो डिजायर्ड है जो होना चाहिए था आउटकम वैल्यूज, उनमें जो पॉजिटिव डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? मीन पॉजिटिव एरर. मीन पॉजिटिव एरर. 23 देखते हैं. सेलेक्टिंग डेटा so as to assure that each class is properly represented in both the training and test set is called stratification. This process is called stratification. ध्यान रखना. 24 देखते हैं. The standard error is defined as the square root of this computation as the sample variance divided by the total number of sample instances. This first option will be correct, A option. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 25, data used to optimize the parameter settings of a supervised learning model is called, क्या बोलते हैं? Validation बोलते हैं. Data used to optimize the parameter settings of a
सुपरवाइज लर्नर मॉडल इज कॉल्ड वैलिडेशन. आगे बढ़ते हैं 26. बूटस्ट्रैप अलाउज अस टू चूज द सेम ट्रेनिंग इंस्टेंस सेवरल टाइम्स. बूटस्ट्रैप हमें क्या अलाउ करता है? बूटस्ट्रैपिंग हमें ये अलाउ करता है कि भैया चूज द सेम ट्रेनिंग इंस्टेंस को आप कई बार चूज कर सकते हो. ठीक है, तो बूटस्ट्रैपिंग के बारे में बात कही जा रही है. 27 देखते हैं. द कोरिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ द ईयर्स एन एम्प्लॉई हैज वर्कड फॉर अ कंपनी एंड द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई इज 75,000. What can be said about employee salary and years worked? तो सिंपल स्टेटमेंट है कि भैया इंडिविजुअल्स दैट हैव वर्कड फॉर द कंपनी द लॉन्गेस्ट हैव हायर सैलरी. भाई जो कंपनी में ज़्यादा देर तक ज़्यादा समय तक रुकेगा ऑब्वियसली सैलरी उसकी ज़्यादा होगी. ये रिलेशन है, स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है. आगे बढ़ते हैं 28. द कोरिलेशन कोफिशियंट फॉर टू रियल वैल्यूड एट्रीब्यूट इज 0.85. वॉट डज दिस वैल्यू टेल यू? तो ये वैल्यू में कहेगी कि भाई एज द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ द सेकंड एट्रीब्यूट्स इंक्रीजेस. ऑब्वियसली एक वैल्यू की एक एट्रीब्यूट की वैल्यू डिक्रीज होगी, दूसरे की बढ़ेगी. ये स्टेटमेंट ऐसा बोलेगा. 29 देखते हैं. द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन क्लासिफायर प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, इसको हम बोलते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर. मीन स्क्वायर्ड एरर, द एवरेज स्क्वायर डिफरेंस बिटवीन क्लासिफायर प्रिडिक्टेड आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट, उसको मीन स्क्वायर्ड एरर बोलते हैं. ठीक है, 29 का ए ऑप्शन टिक हो जाएगा. 30 देखते हैं. सिंपल रिग्रेशन एज्यूम्स ए लीनियर रिलेशनशिप. सिंपल रिग्रेशन जो होता है एज्यूम्स करता है क्या? लीनियर रिलेशनशिप को बिटवीन द इनपुट एट्रीब्यूट एंड द आउटपुट एट्रीब्यूट. इनपुट एट्रीब्यूट और आउटपुट एट्रीब्यूट के बीच में जो सिंपल रिग्रेशन है वो क्या रिलेशनशिप, किस तरह के रिलेशनशिप को एज्यूम करता है? लीनियर. आगे बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन. रिग्रेशन ट्रीज आर ऑफन यूज टू मॉडल नॉन लीनियर डेटा. बट रिग्रेशन ट्री जो है नॉर्मली किस टाइप के डेटा को मॉडल करने के लिए यूज होते हैं? नॉन लीनियर. 32 देखते हैं. द लीफ नोट्स ऑफ ए मॉडल ट्री आर लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस. ध्यान रखना, लीफ नोट्स ऑफ ए मॉडल ट्री, मॉडल ट्री के जो लीफ नोट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लीनियर रिग्रेशन इक्वेशंस. ऑप्शन सी करेक्ट होगा. 33 द लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन इज ए नॉन लीनियर रिग्रेशन. जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो एक नॉन लीनियर रिग्रेशन है, टेक्निक है, एंड इज यूज टू मॉडल डेटा हैविंग ए बाइनरी आउटकम. ठीक है ना, तो ध्यान रखना ये बाइनरी आउटकम के साथ काम करता है. 34 देखते हैं. दिस टेक्निक एसोसिएट्स ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वैल्यू विद ईच डेटा इंस्टेंस, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन. 35 देखते हैं. दिस सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिक एंड कैटेगोरियल इनपुट एट्रीब्यूट्स को लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं. लीनियर रिग्रेशन इज यूज टू दिस लीनियर रिग्रेशन कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल और कैटेगोरियल इनपुट एट्रीब्यूट्स. लीनियर रिग्रेशन की बात चल रही है. 36 देखते हैं. विद बेस क्लासिफायर मिसिंग डेटा आइटम्स आर ट्रीटेड एज अनइक्वल कंपेयर्स. बेयर्स क्लासिफायर के अकॉर्डिंग जो मिसिंग डेटा आइटम्स होते हैं वो कैसे ट्रीट किया जाता है? अनइक्वल कंपेयर्स की तरह. 37 देखते हैं. दिस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम मर्जेस एंड स्प्लिट्स नोड्स टू हेल्प मॉडिफाई नॉन ऑप्टिमल पार्टीशंस, इसको बोलते हैं के मीन्स क्लस्टरिंग. के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करती है? के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम मर्ज करती है एंड स्प्लिट करती है नोड्स को नॉन ऑप्टिमल पार्टीशंस को हेल्प करने के लिए. कौन सी? के मीन्स क्लस्टरिंग. 38 देखते हैं. दिस क्लस्टरिंग एल्गोरिथम इनिशियली अज्यूम्स दैट ईच डेटा इंस्टेंस रिप्रेजेंट्स ए सिंगल क्लस्टर. तो के मीन्स ही है ये. के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम शुरुआत में अज्यूम करती है कि भैया ईच डेटा इंस्टेंस सिंगल क्लस्टर को रिप्रेजेंट करे. तो के मीन्स क्लस्टरिंग की बात कर रहे हैं. 39 देखते हैं. दिस अनसुपरवाइज क्लस्टरिंग एल्गोरिथम टर्मिनेट्स व्हेन मीन वैल्यूज कंप्यूटेड फॉर द करंट इटरेशन ऑफ द एल्गोरिथम आर आइडेंटिकल टू द कंप्यूटेड मीन वैल्यूज फॉर द प्रीवियस इटरेशन. तो ये की मीन्स क्लस्टरिंग ही है. के मीन्स क्लस्टरिंग की ही बात की जा रही है यहाँ पर भी. तो के मीन्स क्लस्टरिंग. 40 क्वेश्चन देखते हैं. मशीन लर्निंग टेक्निक्स डिफर फ्रॉम स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स इन दैट मशीन लर्निंग मेथड्स आर बेटर एबल टू डील विद मिसिंग एंड नॉइजी डेटा. जो मशीन लर्निंग टेक्निक्स हैं वो बेटर हैं
बेटर एबल हैं डील करने के लिए किसको, मिसिंग एंड नॉइजी डेटा को। तो हमारी मशीन लर्निंग टेक्निक्स स्टेटिस्टिकल टेक्निक से इस तरह से डिफरेंस हैं, इस तरह से अलग हैं कि वो ज़्यादा अच्छी हैं मिसिंग और नॉइजिंग डेटा को डील करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से करके हमने 40 क्वेश्चंस देखे हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।